भाई, अरे बाप रे, अभी दिखा दे गाइस क्या सीन है। था और इधर आप देख सकते हो, मतलब एक अलग ही फीलिंग है यहाँ पे, बिल्कुल शांत है। मतलब ऐसा नहीं है कि शोर शराबा है सिटी के अंदर, है बिल्कुल जंगलों के बीच। भैया ने अपना फार्म बना रखा है बहुत बढ़िया, तो भाई आओ यहाँ पे विजिट करो, रुको मस्ती के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई ये चेक कर सकते हो भाई, भाई कोई भी लोग कहीं से भी आ रहा है, ब्रिज घाट घूमने आते हैं मतलब, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो नाइट को। बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हो, मतलब जंगलों वाली फील आपको आएगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अचानक ही हमारा आज ब्रिज घाट आना हो गया, तो ब्रिज घाट आए थे हम जितेंद्र भाई गौरव को छोड़ने आए थे, और इधर अपने उपदेश भाई, और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए वो वाली सामने जो है, थोड़ी देर घूमेंगे उसके बाद जाएंगे घर। स्पेशली बोटिंग का ब्लॉग होने वाला है, तो चलते हैं। चलो भाई चप्पल वप्पल जूते वूते निकाल ले, जूते पहन के ही, जूते पहन के निकालो। अरे आ जाओ, मजा आएगा भाई, रील वील बनाओगे आईफोन से। तू क्या फोटो खींचने वाला है भाई? शेप शेप लगा ले। ओए बाप रे, ये तो हल गई। पकड़ ये पकड़ना पड़ेगा भाई, मजा आने वाला है बहुत भयंकर। ये देखो भाई, उपदेश भाई, जितेंद्र भाई, गौरव भाई, और इधर ये जा रही है गंगा नदी में। बोलो गंगे मैया की जय। मुझे डर लग रहा है भाई, कौन से बड़ा भयंकर। ओ भाई, अरे बाप रे, अभी दिखा दे गाइस क्या सीन है। बोल गंगे मैया की जय। यार जितेंद्र सुबह सुबह बोटिंग करा दी है, वाओ। फोन आ रहा है किसी का। तो भाई ये चेक करो भाई, मजे आ रहे हैं। ये रोक लोगे? फोटो खींचने बस। ये देखो भाई, ये भैया चला रहे हैं। दो करके खींच लो। तो भाई सामने ब्रिज घाट, इधर अपने जितेंद्र भाई, इधर उपदेश भाई, इधर गौरव भाई, और इधर है हम, और इधर चल रही है हमारे भैया की बोटिंग। ये देखो भाई, वाओ, बस होगी ट्रिप कंप्लीट। तो गाइस फाइनली हमारी बोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, बस थोड़ा सा रूट था बहुत कम, यहाँ से झुकना पड़ेगा। अरे बाप रे, यू कहा कर दियो, हे हरिराम। तो गाइस फाइनली हमारी बोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं उस पार। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं था, हमने यहीं अचानक शूट किया था, और अभी ख़त्म कर देंगे इसको। तो गाइस फाइनली उतर चुके हैं। अरे बाप रे, भाई रह गए उपदेश भाई, तो रह गए, अब तुम जाओ इसमें ही। हो गई भाई बोटिंग कंप्लीट, मजा आया ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया भाई। कितनी बार करी है, पहली बार, दूसरी बार? दूसरी बार है, दूसरी बार। मैंने तो एक बार वो करी थी समुंदर में, वो भी बोटिंग ही होती है, पर वो उससे भी ज्यादा अलग थी, मजा आ गया था सच में। तो फाइनली हो गया कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं ऊपर, पर हमारी बाइक खड़ी है, उसके बाद निकलना है। फाइनली हमारी बोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ रोड बना हुआ है, जहाँ हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं, और उसके बाद इसे गौरव को भेजना, गाजियाबाद जाएगा, इसको हम छोड़ने आए थे तीन लोग, और ये जाएंगे अपने घर, मैं जाऊंगा अपने घर। तो गाइस चलते हैं ऊपर। गाइस ये हमारा छोटा हरिद्वार, नाम है ब्रिज घाट, लेकिन हरिद्वार की तरह इसे माना जाता है। ये चेक करें, बहुत सुंदर है, यहाँ की सफाई वफाई भी ठीक ठाक है, बस ऐसे देखो। तो गाइस फाइनली हमारे फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमने करे थे कुछ फोटो क्लिक, क्योंकि भाई साहब यहाँ आए तो कह रहे हैं भैया फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट जगह घूमने के लिए, यहाँ से पहले बाइक पे पहुँचते हैं। गाइस ये वाला बैकग्राउंड ना बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब फोटो शूट के लिए। और चल रहे हैं, हमारी बाइक खड़ी हुई ऊपर हाईवे पे, वहाँ से बाइक उठाते हैं फिर जाएंगे हम एक जगह जाना है, अभी आगे दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तो गाइस ये चेक करो यहाँ के कुछ व्यू, बिल्कुल हरिद्वार वाली फीलिंग आती है ना यहाँ। उपदेश भाई बहुत बढ़िया, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर खड़ी है बाइक, उधर 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 उधर, कोई ले तो ना गया बाइक? नहीं लेके जाए, ले गया। अरे बाप रे, कई लाख का नुकसान हो जाएगा फिर भाई, बाइक नहीं जानी चाहिए। खड़ी है भाई, बाइक दिख गई मुझे, दिख गई। तो गाइस ये खड़ी हुई है अपनी क्वीन, क्वीन बोलते हैं, क्यून, मेरी रानी, मेरी रानी रानी, एक येरी, एक प्रधान जी। और गाइस पता है अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, जहाँ मैं फ्लाइंग करी थी, उसमें बोलते हैं पैरामोटर फ्लाइंग, वहाँ इनको घुमा के लाना है, उसके बाद मतलब फ्लाइंग करनी नहीं है किसी को भी,
बस ये कह रहे देख कर क्या व्यू और कैसा रिस्पॉन्स है। तो हाँ चले चलो भाई चलो। वैसे ही वैसे हम जान का राइड कर नहीं जानता, बस काट लो और है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रिज घाट, यहाँ पे मैंने पैरामोटर फ्लाइंग की थी। और ये हमारे भैया, कैसे हो? हेलो, बढ़िया बढ़िया दोस्त। तो भाई उधर गए तीनों भाई और घूमते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, फिर इनको छोड़ना है, उसके बाद घर निकलना है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इधर घूमने के लिए, जिधर इनका क्या बोलते हैं रनवे बोलो कुछ भी, जहाँ से फ्लाइंग कराते हैं ये सब कुछ है। ये चेक करो भाई यहाँ का व्यू, यहाँ से हमने करी थी पैरामोटर फ्लाइंग और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आकर। मतलब मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, धूप भी निकल चुकी है क्योंकि हम घर से निकले थे, ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। और इधर आई अपने तीनों भाई हैं, मज़ा आया ना भाई घूम के? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा। फ्लाइंग व्लाइंग करनी है ऐसे ही हमसे ना हो भाई, वो तो अंदर रहता है, रखा हुआ अंदर रहता है। तो भाई अभी भैया से मिले थे हम, बस थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे, सिर्फ स्पेशली घूमने आए थे, बाकी फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम घूम ले यहाँ पे थोड़ी देर, और भैया से बात करी थी, उसके बाद निकलना होगा हमारे यहाँ से, तो निकल ही रहे इसको अभी छोड़ना है, अभी गाजी आवाज से आएगा। तो बस ऐसे ही हम यहाँ पे घूमने आए थे बाकी। सो गाइस अभी हम यहाँ से जाने से पहले आपको इस फार्म की पूरी डिटेल्स बता दें, मतलब यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो नाइट के लिए, आप कितने भी दिन यहाँ पे आप रुक सकते हो। हमारे अभी जो सुभाष भैया जी वो बताएंगे आपको सारा कुछ, और सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ की। ये हमारे भैया और दिखाने वाले यहाँ के रूम्स वगैरह जो भी है। चलिए आओ बताना जो भी है ना, ये तू ही बता पाएगा बढ़िया। हाँ चलो मैं बता दूंगा। तो गाइस ये चेक कर सकते हो भाई, भाई कोई भी लोग कहीं से भी आ रहा है ब्रिज घाट घूमने आते हैं मतलब, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो नाइट को। बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हो, मतलब जंगलों वाली फील आपको आएगी, बांसों का चारों तरफ है, बहुत सुंदर बेड है, 3 बेड यहाँ पे डाला हुआ है। और ये और इधर वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छी बना रखे हैं भाई, ये चेक करो काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जैसा भी है। तो भाई कोई भी आ सकता है यहाँ पे, जो भी भाई जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा है कॉन्टैक्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट। हाँ बोर्ड कवर कर लूँगा। तो भाई कोई भी आके यहाँ विजिट कर सकता है, इधर अपने जितेंद्र भाई बैठे हैं, इधर अपनेश भाई, इधर अपने गौरव भाई, बहुत बढ़िया बेड है। हाँ मतलब काफ़ी, मतलब ऐसा शहर वाली फीलिंग नहीं लेनी, अगर जंगलों वाली लेनी तो यहाँ आ जाओ। और अभी मैं दिखाता हूँ पूरा एड्रेस यहाँ का, जो यहाँ का फुल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है उस पर और एड्रेस भी है, भैया से संपर्क करना जो भी भाई ब्रिज घाट आ रहे हो। ब्रिज घाट बहुत लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं फुल डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहादुरपुरिया होटल्स ओ फार्म, हाँ सुभाष चौहान बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा भाई, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करें, जिस भाई को भी यहाँ पे विजिट करना है यहाँ पे आ सकता है, ये भाई हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको बिल्कुल जी। तो भाई बिल्कुल आए, अभी न्यू ओपन कराए इन्होंने, तो कब कुछ कम लोग आ रहे हैं। तो भाई जो भी भाई जहाँ से वीडियो देख रहा है, किसी का मन है ब्रिज घाट आ रहे हैं कुछ करने के लिए, और जो भी एडवेंचर करना चाहते हैं, फ्लाइंग पैरामोटर फ्लाइंग या कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे मतलब सब कुछ अवेलेबल है ना, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे, आप आ सकते हो। तो बस यही था, और इधर आप देख सकते हो, मतलब एक अलग ही फीलिंग है यहाँ पे, बिल्कुल शांत है, मतलब ऐसा नहीं है कि शोर शराबा सिटी के अंदर है, बिल्कुल जंगलों के बीच भैया ने अपना फार्म बना रखा है, बहुत बढ़िया। तो भाई आओ यहाँ पे विजिट करो, रुको मस्ती के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो बस आप कुछ ही देर में निकलेंगे हम यहाँ से, भैया से मुलाकात करके। गाइस अभी हम जा रहे थे घर, लेकिन सुभाष भैया कह रहे भैया पहले चाय पी के जाना, और यहाँ पे आ चुके हमारी चाय, चाय में पीते हैं ये ले लो आप भी, अरे ले लो ना भैया, अरे ले लो ना। तो भाई चाय पीते उसके बाद निकलना, क्योंकि भैया का मन था कि बिना चाय पिए नहीं जाओगे सुभाष भाई, बिल्कुल। चलो तो गाइस फाइनली हमने चाय भाई पी ली, और भाई अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके इधर सुभाष भैया। ठीक है भैया जी, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट टाइम। और इधर हमारे भैया जी, क्या नाम है भैया? संदीप जी। चलो भाई चले, ये उड़ना है भाई, फ्लाइंग बंद कर रखे भैया ने, क्योंकि भाई ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बाइक पे इतनी ठंड लग रही है, तो ऊपर कितनी ठंड लगेगी। तो निकलते हैं घर के लिए।